गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, चार रेजिस्टेंस को एक स्पेशल अरेंजमेंट से बनाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कह दिया। ठीक है, ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट को ब्रिज मिलता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होता है, बाईपास होता है। तो ये इसका अरेंजमेंट है कैसे, देखिए इसमें ए बी एक फिर रेजिस्टेंस पी है, बी सी में रेजिस्टेंस क्यू कनेक्ट है, आर कनेक्ट है और एस कनेक्ट है, और बी और डी के बीच में क्या है, जी है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज टाइप में बन गया करंट के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गेल व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब इट इज एन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस विच इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक अननोन होगा तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तीन अन्य की हेल्प से। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट होती है, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें ए बी और बी सी को बोलते हैं रेशियो आर्म। ठीक है, एक पर्टिकुलर इसमें इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा आर जो मैं यहाँ पर ए डी, ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, इसमें हम एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, और एस जिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें उसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं अननोन आर्म। ठीक है, अननोन आर्म, अननोन आर्म, तो इस प्रकार के बने हुए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है, करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, अगर इन रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी फिक्स की जाए कि बी और डी इक्वल पोटेंशियल पर हो जाए, बी और डी पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो जी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जब जी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, कहते हैं सर्किट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन मतलब इफ द रेजिस्टेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज आर सो अरेंज दैट करंट इन गैल्वेनोमीटर आई जी इज जीरो देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, आई जी गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट जीरो होना है। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट बी और डी हैं वो इक्वल पोटेंशियल पर हो गए हैं रेजिस्टेंस की एक स्पेशल वैल्यूज के कारण। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यूज के कारण। इसका प्रिंसिपल क्या है, इफ फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड टू फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ब्रिज इज इन बैलेंस्ड, मतलब आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी इक्वल टू जीरो, देन पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, ये तो हो गया कंडीशन, इसका प्रिंसिपल्स हो गया, लेकिन इसका प्रूफ भी करना है हमें किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, इस साल एग्जाम में भी आया था। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम इसका जो प्रिंसिपल है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फिगर में डायग्राम में देखिए आप, एक बैटरी कनेक्ट है, दो लूप बने हुए हैं, लूप वन और लूप टू, क्लोज लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, इसमें किरचॉफ्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ए से बी तक जाएंगे। ठीक है, क्या मिला हमें, रेजिस्टेंस मिला पी, करंट कितना है आई वन, तो हो गया आई वन पी, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हैं। बी से डी में रेजिस्टेंस क्या है जी, करंट क्या है आई जी, तो आई जी इंटू जी, साइन कौन सा आएगा माइनस, क्यों आएगा, क्योंकि डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस डी से ए में आई टू आर मल्टीप्लाई हो गया, साइन प्लस का क्यों आएगा, ठीक है साइन प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए से स्टार्ट किया था, ए पर ही पहुँच गया, इक्वल टू जीरो, एज इन द बैलेंस्ड कंडीशन आई जी इक्वल टू जीरो, इस वाले में आई जी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो आई वन पी इक्वल टू आई टू पी, सॉरी आई वन पी इक्वल टू आई टू आर आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन सेकेंड क्लोज लूप बी
सी डी बी, ठीक है, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब क्यों बनेगा जी, आप अपने से बनाइए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि टीचर को इनएक्टिव रहना है और बच्चों को करना है। ठीक है, तो आई वन माइनस आई जी ये बन जाएगा। अगर आप इसको हम बता देंगे तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए दो इक्वेशन बन जाते हैं, आई वन क्यू आई टू एस सेकेंड इक्वेशन, आई वन पी आई टू पी। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, दिस इज कॉल्ड बीटी स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है ना, इसकी पर बेस्ड है मीटर ब्रिज, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो हो जाता है वाट इज बीटी स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी। सेंसिटिविटी ऑफ बीटी स्टोन ब्रिज, बीटी स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ गैल्वेनोमीटर शो लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, थोड़े से ही करंट से लार्ज डिफ्लेक्शन अगर शो करे तो उसको बोलते हैं कि वो सेंसिटिव है। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ बीटी स्टोन ब्रिज डिपेंड, देखो फैक्टर दिए हुए हैं कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल फोर रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर ब्रिज डिपेंड। ठीक है, हाँ ठीक है ना, हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर शो द करंट। ठीक है, तो मतलब अगर हम बैटरी को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को बैटरी, मतलब एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज रिमेन सेटिस्फाइड एंड हेंस गैल्वेनोमीटर विल शो नो करेंट। ठीक है, कोई भी करेंट फ्लो नहीं होगा। इसके एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीटी स्टोन ब्रिज मेथड। पहला, इट इज अ नल पॉइंट मेथड, हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर टू वेरी हाई एक्यूरेसी एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, अमीटर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जनरली आता रहता है, एक रेजिस्ट क्या बना हुआ है, एक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें पता ही चल रहा है कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो जब हमने पढ़ाया था रेजिस्टेंस तो कहा था कि हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो ए और बी को दूर दूर नोट कर देते, कहा था ना, सॉरी दूर दूर नोट कर देते हैं, ए और बी को दूर दूर नोट कर दिया। अब देखिए ए से कहाँ जाना है हमें, सी पर, तो एक रास्ता कौन सा है, ए से वन ओम में गए, वन ओम से बी पर पहुँचे, बी से टू ओम में और टू ओम से सी में पहुँच गए एक रास्ता। दूसरा पाथ कौन सा होता है, ए से टू ओम के थ्रू, टू ओम के थ्रू डी पर गए और डी से फोर ओम के थ्रू सी पर। ठीक है, थर्ड भी है एक, वन ओम से बी पर, बी से फाइव ओम पर, फाइव ओम से डी पर और डी से फोर ओम पर फिर सी पर, ऐसे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बीटी स्टोन ब्रिज में जो बैलेंस कंडीशन होती है पी अपॉन क्यू कितना है, वन अपॉन टू, और यहाँ पर आर अपॉन एस वन अपॉन टू, मतलब पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस है, मतलब सर्किट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब जिस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा उसमें उसकी वैल्यू हम ऐड नहीं करते इक्विवेलेंट में, तो वैसे दो पैरेलल हो गए हैं, वन और टू का सीरीज थ्री, टू और फोर का सीरीज सिक्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो वन अपॉन आर वन कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू, वन प्लस टू और वन अपॉन टू प्लस फोर। ठीक है, इस सीरीज में तीन और सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू आएगा।
तो वन अपॉन आर देखिए बच्चे जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं, आर इक्वल टू वन अपॉन टू लिख देते हैं।